इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर सर्वार्थ सिद्धि अतिशय क्षेत्र करजन जिला बड़ोदरा गुजरात। जय श्री दर्शकों, मैं शिपाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपको दिखाएंगे परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी महामुनिराज ससंग के पावन सानिध्य में आयोजित श्री मज्जनेन्द्र आदिनाथ जिनबिम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरथ महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ कार्यक्रम की श्रृंखला में गर्भ कल्याणक उत्तर रूप प्रसंग दिवस की हर्षोल्लास पूर्ण झलकियां। ये कार्यक्रम गुजरात राज्य के ऐतिहासिक शहर बड़ोदरा की पावन भूमि करजन स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर सर्वार्थ सिद्धि अतिशय क्षेत्र में 6 से 11 जनवरी के मध्य आयोजित हुआ। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस भव्य कार्यक्रम के अंतर्गत 7 जनवरी के मनोभावन दृश्य। गुजरात प्रांत के शहर बड़ोदरा की पावन धरा करजन स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर सर्वार्थ सिद्धि अतिशय क्षेत्र में 6 से 11 जनवरी 2023 को परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी महामुनिराज ससंग के पावन सानिध्य में श्री मज्जनेन्द्र आदिनाथ जिनबिम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरथ महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस 6 दिवसीय आयोजन में दूसरे दिन यानी गर्भ कल्याणक उत्तर रूप प्रसंग दिवस पर कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु के अभिषेक के साथ हुई। अभिषेक के बाद मंत्रोच्चारण के बीच सौभाग्यशाली श्रावकों ने तीन लोक के नाथ की शांति धारा कर मंगल कामना की। ओम नमो भगवतो वर्धमान श्री से जसम जक्कम जलंत कच्छम आया संपायल लयाणम भूयाणम जुए विवादे वरंगडे वथंगडे मोणे वा सब जीव सत्ताना उपराजित भवतु वे रख रख स्वाहा वर्धमान मंत्रेण सर्व रक्षा भवतु स्वाहा ओम ह्रह हूं फट स्वाहा ओम छां चीं छूं छीं छैं छों छं छः नमो अर्हते सर्वं रक्ष रक्ष हूं फट स्वाहा ओम सायजनो प्रणमामि से आम लो बिमलो बिरयो कबर कंबर कपतरु साकाम दो आम रक्ष से अपने बजन ही पने बजन ही ओम अठ से अठ से साठ कोडियो रखम तुम शरीरम देवा सप्रणामी सिद्धा ओम म्रीं श्रीं अरहम नमः सदा सर्वसांद्र भवतु स्वाहा। शांतिधारा के उपरांत प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन एवं भजनों के बीच श्रावक श्रेष्ठियों ने भक्ति भाव से श्री जी को अर्घ्य समर्पित किए। Sí, 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 sí
अर्घ्य समर्पण के दौरान एक से बढ़कर एक भजनों की गंगा में गोते लगाते हुए श्रद्धालु प्रभु भक्ति में लीन हो गए। अर्घ्य समर्पण एवं पूजा अर्चना के इस क्रम में हवन में आहुतियां देकर श्रावक श्रेष्ठियों ने विश्व कल्याण की भावना भाई। संगत समस्त मुनि राजा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमो है। देखिए कुछ बुद्धि के दिन जिस का प्रारंभ हो उसके पूर्व पूर्व जो कि संकेत ना करना पड़े उस पूरे भारत वर्ष में कितने धार्मिक आयोजन जैन समाज करती है और कितनी बोली आदि के माध्यम से जो उत्साह दिखाती है। शायद हम लोग मानते हैं जैन के आयोजन और उत्साह को मानते हैं। आज मौका है हमें जिसकी जो भी क्षमता है उनकी क्षमता के अनुरूप। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर विशिष्ट जनों आगंतुकों एवं सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों का स्वागत अभिनंदन कर उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे ले चलो चलो जहाँ दे चलो विनाश निकले ध्वनि मंगलम मन की विनाश निकले ध्वनि मंगलम स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम कार्यक्रम की अगली कड़ी में परम पूज्य भीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी महामुनिराज ने पंच कल्याणक के महत्व को विस्तार से समझाया। इस पंच कल्याणक की वेदी पर उपस्थित होकर के अंतःकरण की परम विशुद्धि के साथ ये मंगल भावना भाती ही सतत प्रवाही नदी की तरह से लोक कल्याणकारी ये जिन शासन सुचिर काल तक अनंत काल तक सदा जयवंत और जीवंत रहे। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महान भाव सुख की वृद्धि यश कीर्ति प्रतिष्ठा की वृद्धि होती जा रही है। महान भाव पुण्य पुरुष का प्रभाव ऐसा होता है उस एक पुण्यात्मा में अनेक व्यक्ति शामिल होते हैं।
कहती है पुण्यात्मा में सबका साझा होता है। पाप का उदय आ जाए तो पापी जीव का साझा कोई नहीं करता, पाप में शामिल कोई नहीं होता, और एक पुण्यात्मा के पुण्य कार्य में अनेक व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। वह पुण्यात्मा व्यक्ति चिरकाल तक अपनी भावनाओं को संजो करके रखता है, पुण्य का संचय किया, इस भावना से संचय किया कि मैं अपना हित करने के साथ साथ अन्य व्यक्ति के हित में भी निमित्त बन सकूं। 16 कारण भावना उस तीर्थंकर महापुरुष जी ने भाई, इसलिए माने भी 16 स्वप्न देखे। 16 कारण भावनाओं के फल स्वरूप वे तीर्थंकर महापुरुष अपने जीवन में 16 प्रकार की विशिष्ट विद्या या पुण्य का वैभव प्राप्त करेंगे, उसे भोगेंगे, और अंत में निर्धूम अग्नि देखने का आशय वे सभी कर्मों को जला करके मोक्ष प्राप्त करेंगे। कर्मों के जलाने में धुआं नहीं निकलता। आचार्य श्री के प्रवचन के बाद तीर्थंकर के माता पिता का स्वागत सम्मान किया गया, तो वहीं माता की गोद भराई की गई। जीवन में पहली बार चलिए गोते भरते चलिए, जीवन में पहली बार चलिए गोते भरते चलिए, चलो गोते भरने चलिए, चलो गोते भरते चलिए, चलो गोते भरने चलिए, अब करो न सोच विचार चलिए गोते भरते चलिए, ना करो न सोच विचार चलिए गोते भरते चलिए, ओ जीवन में पहली बार चलिए गोते भरते चलिए, आभी गयो रे गोते भरने नो अभी सर आभी गयो रे, इधर सौभाग्यशाली दीक्षार्थी जी के परिजनों एवं श्रावक श्रेष्ठियों ने गोद भराई कर पुण्य लाभ अर्जित किया। अब समय था गर्व कल्याणक के उत्तर रूप प्रसंग का। 56 देवियां तीर्थंकर की माता मरु देवी को उपहार प्रदान कर भक्ति नृत्य की प्रस्तुति देकर प्रसन्नता व्यक्त करती हैं। मेरी भेंट स्वीकार कीजिए। क्या लाई हो माँ के लिए? वाह, ये कह रही है माँ मैं आपके लिए काजू बादाम किशमिश पिस्ता ये सब लाई हूँ, क्योंकि इन दिनों आपको पौष्टिक आहार की आवश्यकता है। हे माता प्रणाम, मैं आपके लिए चिरोजी लाई हूँ, कृपया स्वीकार करें। हे माता प्रणाम, मैं आपके लिए शीशा और वस्त्र लाई हूँ, स्वीकार कीजिए। अगले क्रम में महाराजा नाभी राय दरबार में राज्य की सैन्य शक्ति का अवलोकन करते हैं, तभी अचानक माता मरु देवी का आगमन होता है। सभी आओ पड़ो। अर्ध सिंहासन पर महाराजाधिराज महाराज नाभी राय। महाराजा नाभी राय द्वारा अचानक आने का कारण पूछने पर महारानी 16 स्वप्नों के विषय में बताती हैं और महाराज से स्वप्न फल कथन की कहती हैं। हे महारानी जी, आपने कौन से सपने देखे, कृपा बताइए। हे नाथ पिछली रात में महाराजा नाभी राय फल कथन को समझाते हुए तीर्थंकर आदिनाथ के अवतरण की जानकारी देती हैं। इस जानकारी पर दरबार में हर्षोल्लास छा जाता है। आपने दूसरा स्वप्न देखा, श्वेत
बेल, इसका आशय है आपका पुत्र धर्माधिकारी जगत पूज्य होगा। जो आपने तीसरा स्वप्न देखा सिंह, इसका आशय है आपका पुत्र अनंत शक्ति को धारण करने वाला होगा। अब समय आया आरती का। श्रावक श्रेष्ठियां बैंड बाजों के बीच हाथी घोड़े एवं रथों में सवार होकर मंदिर जी आए और प्रभु एवं गुरुवर की आरती उतारी। संध्या बेला में सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत श्रेष्ठियों ने सामूहिक रूप से भक्ति नृत्य की प्रस्तुति देकर उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दर्शकों, आज आपने गुजरात प्रांत के महानगर बड़ोदरा की धार्मिक नगरी करजन स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर सर्वार्थ सिद्धि अतिशय क्षेत्र में 6 से 11 जनवरी 2023 को आयोजित श्री मज्जिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा गजरथ महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत 7 जनवरी की भक्ति आनंद से परिपूर्ण झलकियों का अवलोकन किया। इस कार्यक्रम में जैन उपासकों ने परम पूज्य भिक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी महामुनिराज ससंग के पावन सानिध्य में पूजा अर्चना कर पुण्य लाभ के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान का भी अर्जन किया। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की श्रृंखला में अगले दिन के कल्याणकारी दृश्यों के साथ। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर सर्वार्थ सिद्धि अतिशय क्षेत्र करजन, जिला बड़ोदरा, गुजरात।